इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर कांग्रेस की सुक्खू सरकार बच गई है। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। लाहौल एंड स्पीति से अनुराधा राणा आगे है, सुजानपुर से कैप्टन रणजीत सिंह, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां से 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर कांग्रेस की सुक्खू सरकार बच गई है। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। लाहौल एंड स्पीति से अनुराधा राणा आगे है, सुजानपुर से कैप्टन रणजीत सिंह, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां से 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर कांग्रेस की सुक्खू सरकार बच गई है। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। लाहौल एंड स्पीति से अनुराधा राणा आगे है, सुजानपुर से कैप्टन रणजीत सिंह, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां से 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती हुई दिखाई दे रही है।